चरीदार का चुन पहन हुई विधवा उर्फ डाकू ये कहानी कहाँ की है कैसी है मैं आप लोगों को रंगे के बारे में हड्डी मैं तेरे रास्ते का रोड़ा और कबाब में हड्डी नहीं बनता काश वो लड़की तुझसे मोहब्बत करती होती तो कौन है रे कहां रहता है साहब हमारे नाम और काम से वाकिफ नहीं हो ओए अगर हमारे नाम से वाकिफ होते तो यहां आने की भूल कदात नहीं करते गंदा नहीं बल्कि हमारा खून फिल्टर किया हुआ है जानना चाहता हूँ कौन है हाँ अपना परिचय हम जरूर बताएंगे मैं इस रियासत का माना हुआ मशहूर गुंडा हूँ मुझे ये लोग कहते हैं ठाकुर शमशेर ऐसा तो जानना चाहता हूँ सुन इसी रामगढ़ थाने के इंचार्ज हेलो और ये गए राजा राम परिचर्य की तरफ से दस रुपए आपने उसी पे खुश होकर रह गए थे ये किस तारीख का पुनी पर का मेला है आप लोग आइए और बड़ी धूमधाम से मेले की शोभा बढ़ाइए शुक्र धन्यवाद इसी रामगढ़ थाने के इंचार्ज कहने का मतलब दरोगा जिन्हें लोग कहते हैं इंस्पेक्टर सूरदास मैं उनका छोटा भाई मुझे लोग कहते हैं सूरज सूरज शुक्र कर कि आज रक्षाबंधन का दिन था सूरज का उसूल और तरीका है जिस दिन मैं अपने हाथों में राखी बांधता हूँ उस दिन किसी को ऊपर हाथ ही उठाता हूँ वरना कहीं नहीं जाता मेरा तो तेरा भेजा फट के बाहर आ जाना और तेरे घर वाले तेरा पंचनामा घर वालों पे मत जाना मतलब कि तुम एक इंस्पेक्टर के छोटे भाई हो अब बहुत नेमी हो आप आज के दिन रक्षाबंधन के दिन मतलब तुम किसी पे हाथ नहीं उठाते हर ये आगे पवन पत्रकार ये अच्छी आपकी सीन पर खतरों करके भाई तय से पिया कलम बने नाम तेरे बहुत बहुत धन्यवाद और तू ये नहीं जानता शमशेर सिंह के रास्ते की रुकावट जो इंसान बनता है उसे शमशेर सिंह हमेशा हमेशा के लिए और एक बात अपनी अच्छी तरीके से भेजे में कौन सी आज मैं ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूं कौन सी ट्रेनिंग पुलिस की ट्रेनिंग आज मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है तो तेरे जिस्म में पत्नी जी भरी हुई है और याद रखना जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी हो उस दिन भोसड़ी के तुम्हारे जिस्म में पत्नी जी गाली नहीं सूरज पत्नी जी नहीं होनी चाहिए रिवॉल्वर का लाइसेंस है लाइसेंस तो हम रिवॉल्वर का नहीं रखते और रही बात पुलिस यानी कि तुम ट्रेनिंग पे जा रहे हो अगर तू पुलिस इंस्पेक्टर बन भी गया तो तेरे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हमारी पाकट में रहते हैं
और एक बात कान खोल कर सुन ले, आज नहीं जिस दिन तेरे बदन पे वर्दी होगी उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे खानदान में मातम ही मातम। हमारे दिमाग से तुम वाकिफ नहीं हो, तुम क्या समझ रहे हो? आज मेरे पंजे से इस लड़की को बचाकर कोई बहादुरी कर रहे हो? नहीं, अब हम मुलाकात उसी दिन करेंगे जिस दिन तेरे बदन पर वर्दी होगी। हाँ, तेरी वर्दी और तुझे अगर एक ही में ना मिला दिया तो हम भी अपने बाप की औलाद। मेरी गलती क्या है? कौन सी सैनी हो चुकी, शादी के लायक हो चुकी हूँ। छठी घर से बाहर निकलो, तुम्हारे घर का कोई गार्जियन होना चाहिए, कहने का मतलब पिता माँ भाई बहन उनके साथ निकलो, अकेली निकलो कि गुंडे नहीं छेड़े। मेरे पिताजी हैं, वो भी बूढ़े हैं। पिताजी बूढ़े हैं? जी हाँ, उससे कोई काम होता नहीं है। मैं पिताजी की दवाई लेने जा रही थी। हाँ, वो काफी बीमार है, मैं दवाई लेने जा रही थी, रास्ते में आकर गुंडा हमें छेड़ने लगा। अच्छा हुआ इस मौके पे आप आ गए। कोई बात नहीं, अगर यही बात है तो मेरे साथ चलो क्लिनिक, मैं तुम्हारे पिताजी की तुम्हें दवाई लेके देता हूँ और तुम्हें अभी मेरे पास वक्त है, तुम्हें मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा। अगर ये बात है तो बहुत जल्दी के साथ चलो हमारे घर तक, तो हमें छोड़ दो, देर हो जाएगी। वही छोड़ दूंगा और तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? आइए मेरा भाई, क्या हुआ भाई? भाई तुम्हारा यही था, भाई कोई ले गया। चलो खैर, लेकिन डरो, यहीं से उसी दूरी पे मेरा घर है, मैं अपने घर चली जाऊंगी। और अगर तुम हमारे साथ चलोगे और मेरे पिताजी अगर तुम्हें और हमें एक साथ देखेंगे तो फिर से हम पर नाराज हो जाएंगे। मेरी बात ठीक है? मतलब काश मैं तुम्हारे गांव पर चलूंगा तो गांव के मोहल्ले के लोग देखेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। एक सैनी लड़की खुलेआम सैन लड़के के साथ घूम रही है, ठीक है? तो चले जाओ और अपने घर चली जाओ। आगे बढ़ो, जल्दबाजी के चक्कर में अपना ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लोग सूरज सिंह कहते हैं। सूरज, आपकी तारीफ? मेरा नाम, अगर मेरा नाम जानना चाहते हैं, मेरा नाम रूपा है। थैंक यू, बहुत अच्छा नाम है। जिस तरीके से आपका नाम है उस तरीके से भगवान ने आपको स्मृति रखा है। अच्छी बात, नमस्कार। लेकिन आगे बढ़ो, थोड़ा काम है। अपना नाम क्या बताया था? देखो भूलने की आदत मुझे बहुत है, फट से भूल जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, याद रखना। यानी तुम्हारा नाम सूरज है, तुम्हारे घर में कौन कौन से हैं? देखिए मेरे घर में कोई, एक मेरी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई होगी। एक मेरे बड़े भाई जिनका नाम है इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह। जी हाँ, वो इसी रामगढ़ थाने में तैनात है। रामगढ़ मैं पढ़ाई करता हूँ, पुलिस की ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूँ। अच्छी बात है, यानी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई? लग रहा है मेरी शादी हो गई? अरे नहीं, लग तो नहीं रहा है, इसीलिए मैं मालूम करती हूँ, ऐसा ना हो कहीं। देखो जमाना खराब है, लड़के होते हैं वो यही कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई, एक लड़की की जान खतरे में कर देते हैं और उसकी शादी हो रही होती है। आपकी पर्ची हो गई, मेरी पर्ची हो गई, ठीक है चलो। लेकिन कह रहो बात यह है, मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात से तुम नाराज नहीं हो जाओगे? अरे देर तो मुझे भी हो रही, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि बेटी बहुत जल्दी से जाओ और बहुत जल्दी के साथ आओ। कहिए क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ
अपना राज ना हो मेरी बात से तुम्हें कह दूं, कह दूं मैं तुमसे कहना ये चाहती हूँ, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। अरे नहीं, इसमें नाराज की क्या बात, आप कुछ बोल नहीं रही है, नाराज मैं कैसे हो जाऊंगा। कहीं बात तो ठीक है, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। देखो बात मैं बताना ही चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। अच्छा राम राम, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बातें हैं, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। दिल लग रहा है, दिल में आती बात कह दूं, ओ फिर दिल लग रहा है, इसलिए नहीं कह पाती। नहीं आती, डरने की क्या बात है, हम यहाँ पे हम तुम्हें तो आखिर क्या कहना चाहती है। मैं तुमसे बताना ही चाहती हूँ, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। अच्छा बातें हैं, नाराज हो जाओगे। मुझे तुमसे, लेकिन तुम नाराज हो, मारने की जरूरत नहीं है, मैं जानवर नहीं हूं जो खाना चाहते हो। मुझे तुमसे, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। नाराज तो नहीं हो जाओगे, कुछ बोल नहीं रही हो, नाराज हो जाओगे। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना छोटा सब अब टाइम लगा लगा पूरे चार घंटे हो गए, दिल लग रहा था इसीलिए नहीं कही पाती थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया, प्यार जानते हो? नहीं मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। क्यों लड़की? शायद आज की लड़कियां कैसी होती है, आज की लड़कियां ऐसी होती हैं, मोहब्बत किसी और से करती हैं तो शादी किसी। अरे लड़कों का हाल क्या होता है? मैं उन लड़की नहीं हूँ। लड़के बेचारे मजबूर की तरीके से पागल हो गए, पागल हो जाते हैं, दर दर की खाक छांटते हैं। जी हाँ, उन्हें प्यार नहीं मिलता। वो मैं उन लड़कियों में से लड़की नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ, कहते हैं मिलो तो ऐसे मिलो, दिल मिलने पे मजबूर कर दे। मिलो तो ऐसे मिलो, दिल मिलने पे मजबूर कर दे। आप दिल में इतनी लगाओ कि वो ठहला भी कहने से मजबूर कर दे। मैं उन लड़कियों में से लड़की नहीं हूँ, प्यार करती हूँ, वाकई में आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। सच में तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? भगवान की कसम खा कर कहती हूँ, आज यकीन हो गया कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जमाने में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने यार के लिए अपनी जान दे सकती हैं, लेकिन अपने यार के ऊपर हाथ आने नहीं देती। जब से आपको देखा है मुझे भी ना जाने क्या हो गया है, इसीलिए कहते हैं हंसी चेहरे पे काली जुल्म का मंजर सुहाना लगे, हंसी चेहरे पे काली जुल्म का मंजर सुहाना लगे, नजर काती है तुम्हारी तो कयामत मुस्कुराना लगे। ए जनम जब से देखा है, आप ऐसा करना, हमें कभी धोखा मत देना। क्या बात करती हो जाने, मैं ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग में जब पास हो जाऊंगा सबसे पहले तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, फिर से शादी करूंगा, फिर हनीमून यहाँ ना दुबई चलेंगे दुबई। बार बार लगातार वही छह वो नाम राजा राम परगदिया के, जहाँ कहीं हो आपके साथी मेला कमेटी के हमारे स्टेज के पीछे बैठे आप आकर मिले तो महान होता होगी। ये 10 रुपए तुम्हारे लिए भाई साहब की फरमाइश, तुलना देखू तो मुझे चैन आता नहीं। राजा राम परगदिया से आते जब से आपको देखा ना जाने क्या हो गया है। मोहब्बत की तरह
चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तोहफा आए, चाहे जान भी अब जाए, सीखी न हो सभी जनता ज्यादा से निवेदन है कि मेरे में पहुंचकर मेरे की शोभा बढ़ाई महान कृपा होगी। धन्यवाद। अब ऐसा करना चाहिए, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए बहुत जल्दी के साथ चलना चाहिए। साथिया मन माना कहां घूमत बात हो गई। मैं आपकी दवाई लेने जा रही थी, रास्ते में
मेट कहीं नहीं पा रही हूँ। अरे का होएगा बताओ दिया ठाकुर शमशेर सिंह हमें छेड़ रहा था। शमशेर सिंह का घेर रहा था। अरे पिताजी घेर नहीं हमें छेड़ रहा था, यानी हमारी इज्जत से खेलना चाहता था। अरे बिटिया अब यह बात है तो ठाकुर लोग जब ऐसे नहीं बन पाई, अब चलो बिटिया सीधे थाने के चला जाए। ये बात ठीक है, थाने चलो, इसके नाम अब ये भैया लिखवा लीजिए। हाँ बिटिया, अगर ऐसा ना किया तो ये हराम जादे ना जाने कितना हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज मेरी इज्जत से खेले थे, कल दूसरी इज्जत से खेलेंगे, हद से ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे। जानते हैं ये थाना कहाँ का है? अब पढ़े लिखे थाना कहाँ का है? ये थाना आपका आईएम चौकीदार हो थाना मोहली मेरी बात का।